अस्सलाम वालेकुम जुबैर पेन किया ठीक ठाक आराम ये जुबैर भाई के साथ आज मैं बैठा हूँ तो ये मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं यार मुझे अरबी सिखाएं अरबी सिखाएं अरबी सिखाएं, क्योंकि ये रिसेंटली सऊदी अरब में आए तो इनको भी अरबी इतनी अच्छी नहीं आती। तो ये जब मुझे अरबी बोलते हुए देखते थे अक्सर मुझे कहते हैं यार मुझे अरबी तो सिखाएं मुझे अरबी तो सिखाएं। तो अक्सर मैं इनको कहता हूँ यार ये अरबी अगर आप लोग ये कहोगे ना कि हाँ नहीं मुझे सिखाओ तो इस तरह अरबी कभी भी आपको नहीं आ सकती जब तक आप उन लोगों के दरमियान टाइम स्पेंड ना करें या उनके साथ आपकी डिस्कशन अरबी में हो तो आप तब तक अरबी नहीं सीख सकते। तो लिहाजा आज मैं इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दूंगा कि आप यानी कि बेसिक बेसिक कौन से वर्ड जो है ना आप नॉर्मल रूटीन में जो बेसिक यानी कि जो नॉर्मल डिस्कशन होती है जब आप किसी से मिलते हैं तो आप कौन से जो है नॉर्मल वर्ड जो है ना उनसे पूछ सकते हैं या आप किस तरह उनके साथ बात कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके साथ किसी बंदे की मुलाकात हुई है आप उसके साथ पहले सलाम लेंगे फिर उससे पूछेंगे हाँ जी कैफ हालक यानी क्या हाल है आपका, फिर वो आगे से जवाब देगा अल्हम्दुलिल्लाह ना कोइस यानी कि मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। फिर फर्दर आप हाँ जी इश्शुगलंता यानी कि आप क्या करते हो, अरबी में इश्शुगलंता यानी कि आप क्या करते हो। फर्दर मेरी भी अरबी इतनी ठीक नहीं, अगर कोई बंदा करेक्शन करना चाहे कमेंट दे तो कर सकता है क्योंकि मैं भी कोई यहाँ पे मेरी को पैदाइश नहीं हुई तो मुझे अरबी ए टू जी फर फर आती हो, बट एनी वे अलहमदिल्ला इतनी अरबी अच्छी है कि मैं सऊदियों के साथ कोई भी अरबिक लैंग्वेज जो बंदा उसके साथ डिस्कशन कर सकता हूँ। तो ये जवेद भाई अगर मेरे साथ कोई बात करना चाहे अरबी में अगर मुझसे कुछ पूछना चाहे तो ये मुझसे पूछ सकते हैं फिर मैं इनको जवाब दूंगा। कुछ पंजाबी अंदा युगा शरफ शाह यानी कि आप अगर अरबी में अगर ये कहना चाहेंगे तो ये आप उससे पूछेंगे अंता इबगा शरब शाय, आप चाय पीना चाहेंगे यानी कि इसकी एक्यूरेट तो ये बनती है लेकिन आप नॉर्मली अपनी ज़बान में उसको ये भी कह सकते हैं हाँ जी चाय पीनी पंजाबी में हम लोग इस तरह के, लेकिन अगर आप अरबी में कहेंगे तो यही कहेंगे अंता इबगा शरब शाय। ये शाही कहते हैं चाय को, यहाँ पर तो ये सिर्फ चाय पीते हैं वो विदाउट मिल्क क्योंकि इन लोगों का यही ट्रेंड है तो ये यही चाय पीते हैं, हम लोग तो पीते हैं दूध वाली। नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब मैं कुछ चीज़ लेनी है किसी को यानी कि ये चाह रहे कि मैंने किसी से चीज़ लेनी दुकान से कोई भी चीज़ मतलब लेना चाहता हूँ अना एवगा इश्तरी अगरात यानी कि ये चाह रहे हैं कि ये कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं दुकान से बकाले से कोई भी चीज़, तो ये इसको हम लोग कहेंगे अना एवगा इश्तरी अगरात। कोई भी अगरात में सारी चीज़ें आती हैं, अगरात कोई उसमें कोई भी चीज़ आ सकती है अगर आपने कोई चीज़ लेनी है यानी कि कोई आप स्पेसिफिक उसमें चीज़ नहीं कह सकते अगरात में सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेट्स सपोज अगर आपने कोई बिस्किट वगैरह लेना है तो आप उनसे कह देंगे हाँ अना इबगहादा, ये चीज़ पकड़ के अना इबगहादा बस। फर्दर पानी को क्या कहते हैं, पानी को यहाँ पे अरबी में कहते हैं मोया मोया, मोया। लेकिन हम लोग मोया किसी और चीज़ को कहते हैं पंजाबी में मोया किसी और चीज़ को कहते हैं। काम को पहने की कहते काम न काम को कहते हैं जी शुगर 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 साढ़े वैसे कह दें दिया शुगर लाने चलिए हम लोग पंजाबी में कहते हैं शुगर मस्क यानी कि उसको मस्तियों को, लेकिन ये यहाँ पे अरबी लोग जो है शुगर को कहते हैं यानी कि शुगर काम को कहते हैं, इन लोगों का शुगर यानी काम अंता शुगर कि तुम क्या करते हो। सही है। और मतलब है ना चीज़ एक होर दस्यो कि मतलब असं जाने ना किसी को मतलब दुकानदार को तो हो गया कि लैन लिए तुसी दसी सी कि इबगा इबगा मतलब कि मुझे ये चाहिए चाहिए या मुझे मैंने ये चीज़ लेनी ये अच्छा। चीज़ लेनी है ठीक है। तो जानू की कही दा वा मतलब मैं जा रहा वा या बुलाना किसी नू अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप उसको कहेंगे कि अनारो हादा महल यानी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अना रो हादा महल यानी कि आप ये कहेंगे। दूसरी 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 क्या मतलब बुलाना है या आनू मतलब आ रहे हैं अगर आप किसी को किसी के साथ बात कर रहे हो तो अगर आप उसको कहते हैं हाँ जी मैं आ रहा हूँ तो आप उसे कहोगे अना ईजी ईजी आ रहा हूँ ईजी। अक्सर ये कहते हैं अंता ईजी तुम आ जाओ। और सही है तो गड्डी नू पहन की गई दे थे गाड़ी को यार ये लोग कहते हैं सियारा 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 गाड़ी को ये लोग सियारा कहते हैं, लेकिन सियारा हम लोगों ने अक्सर पढ़ा भी होगा वो सियारा जो
आसमानों में आसमानों में घूमता, लेकिन ये लोग सारा गाड़ी में गाड़ी कर रहते देते हैं। हैं। सही हो गया। और ते कमरे नू कमरे को ये लोग कहते हैं गुरफा, गुरफा कमरे को ये कहते हैं गुरफा। हम लोग ड्राइंग रूम जो होता है, जो पाकिस्तान में अक्सर हम लोग उसको ड्राइंग रूम कहते हैं, ये लोग उसको कहते हैं मजलिस। मजलिस। वैसे जा रहे हो, मजलिस कहते हैं। उसके बाद किचन को ये लोग मतबख कहते हैं, वॉशरूम को ये लोग हमाम कहते हैं, घर और पूरे नू बेत, पूरे घर को बेत। अगर आप सिंपल ये कहना चाहेंगे तो आप उस पूरे घर को बेत कहेंगे। बिल्डिंग, आप अगर किसी को बताएं कि हाँ जी वो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, तो आप उसको कहेंगे अमारा, आधा अमारा आधा अमारा, यानी कि बिल्डिंग को आप लोग अमारा कहेंगे। हमारा और सही हो गया। ते खाने दे मतलब जेड़े मुख्तलिफ टाइम होंगे, सुबह दे नाश्ते नू, हाँ, दोपहर दे नू, रात दे नू, और बिच की जो कहते हैं? जो है आप लोगों का नाश्ता, उसको कहते हैं ये लोग फतूर, अरबी में जो नाश्ता। उर्दू में नाश्ता, इंग्लिश में ब्रेकफास्ट, और अरबी में हम लोग इसको कहते हैं फतूर। तो अब आए आप दोपहर का जो खाना, गदा। दोपहर के खाने को ये कहते हैं गदा, हम लोग उसको कहते हैं दोपहर का खाना या लंच, लेकिन ये लोग उसको कहते हैं गदा। इसके बाद आए आप लोग रात के खाने में, रात के खाने को हम लोग तो रात का खाना कहते हैं इंग्लिश में डिनर, लेकिन ये लोग उसको कहते हैं अशा, अशा, अच्छा अशा। अच्छा बाकी एक चीज़ और, आप जब तक किसी यानी कि अरबी किसी बंदे के साथ जब आप टाइम नहीं ना स्पेंड करेंगे, तो वो उसके बगैर आप ये अरबी इस तरह फ्लुएंटली बोल नहीं सकते। इस तरह आप चीज़ें सीख लेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने सीख ली, लेकिन आप बोलेंगे बोल रहे नहीं किससे, जा बोलेंगे इसके साथ, यूज़ किसके साथ करेंगे? जब तक आपकी कम्युनिकेशन उस तरह के बंदे के साथ नहीं होगी, तब तक आपको इन चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं। मैं जब यहाँ पे आया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए यहाँ पे, मैं जब यहाँ पे आया मुझे बिल्कुल भी अरबी नहीं थी आती। मैं इसी तरह किसी से कुछ पूछता था, किसी से कुछ पूछता था, लेकिन खैर मेरा आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों के साथ तल्लक वास्ता चलता रहा, इन लोगों के साथ मेरा यानी काम ज़्यादा बढ़ गया, ये लोग मेरे साथ काम करना शुरू हो गए, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे गाइड करते थे कि हाँ जी इसको अरबी में ये कहते हैं, इसको अरबी में ये कहते हैं, इसको अरबी में ये कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ग्रिप अच्छी हो गई। नहीं, लेकिन हमारी तो मतलब मसला हमारे लिए ये है ना कि हमारी इंग्लिश नहीं अच्छी है। आपकी तो इंग्लिश अच्छी थी, आप यार इंग्लिश में मेरी से बात पूछ सुनो, लेते थे, मेरी लेकिन मेरी मेरी हमें बात तो बस सुनो, यही है ना कि उर्दू आती है इंग्लिश बस। अरबी या कोई भी लैंग्वेज है ना, अगर आप लोगों ने वो सीख लिया और अगर आपने उसको छोड़ दिया, सीख के छोड़ दिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा इसलिए नहीं कि जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, आप उसको फ्लुएंटली बोल नहीं सकेंगे। अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आपको 10 साल बाद बोलनी पड़ जाएगी, तो आप वो फ्लुएंटली बोल नहीं सकते। आप वो आपकी वो जो है, जो क्या कहते हैं, वोकेबलरी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, यानी कि आप एक किसी बंदे के साथ बात कर रहे हैं तो आप वो ये नहीं पता कि आपने जो उसके साथ बात करनी है, आपने उसको एक्सप्लेन किस तरह करना है। अगर आप उस चीज़ को रूटीन लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे, तो अगर आप उसको रैंडमली बात करेंगे, यूज़ करेंगे 5 साल बाद, 10 साल के बाद, तो आप उसको फ्लुएंटली बोल नहीं सकते। अब अरबी ये कि मेरा तो आप लोगों से ज़्यादा जो हाँ ना तल्लक वास्ता पड़ता रहता है, तो मैं तो यानी कि रोज़ मेरी रोज़ाना मेरी इन लोगों के साथ अक्सर मेरी बात होती है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सेंट जो है ना काफ़ी अच्छा है। इवन मैं आप लोगों को एक वाक्या भी सुनाऊंगा कि नहीं, आपका एक्सेंट तो माशाल्लाह वैसे भी अरबी अगर है, आपने अरेबिक कुछ है और पूछना तो पूरा। पूछे, फिर मैं एंड पे इन लोगों को एक वाक्या सुनाऊंगा। नहीं, आप सुनाइए बस नहीं इंशाल्लाह, आप बाकी आप नहीं, कुछ नेक्स्ट पूछे चैप्टर ना, में इंशाल्लाह हम आप कुछ दोबारा, पूछे ना। अगले में इंशाल्लाह फिर दोबारा करेंगे। चले मैं आप लोगों को एक मज़े की बात सुनाता हूँ। मैं तकरीबन कोई 7-8 महीने पहले मैं खुबर में था, अपने ऑफिस से मैं खुबर गया, तो मैंने अपनी गाड़ी का काम करवाना, तो मैंने अपनी गाड़ी का काम ज़रा जल्दी ख़त्म करवा लिया। तो फिर मैंने सोचा कि एक पाकिस्तान पास ही ना एक स्वीट हाउस है, पाकिस्तानी स्वीट हाउस है, पंजाब स्वीट हाउस, तुकबा में, खुबर में। मैं वहाँ पे चला गया, मैंने वो टी शर्ट पहनी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी, मैं चला गया। मैंने जाके अंदर जाके सलाम ली। अब आगे जो बंदा था स्वीट हाउस वाला, पाकिस्तानी था, लोअर था, मैंने उसके साथ सलाम ली, उसने मुझे जवाब दिया वालेकुम सलाम। तो फिर वो बाद में मुझसे पूछता है आए वाह बीबी इशिबान था, यानी कि उसने मुझे अरबी में ये बात पूछी, यानी कि इसका उर्दू में मतलब ये कि जी जनाब आपको क्या चाहिए, यानी कि उर्दू में इसका मतलब ये। तो फिर मैंने उसको कहा कि यार आपके पास समोसे हैं, मैंने उर्दू में उसको जवाब दिया। तो वो बंदा मुझे आगे से कहता है यार मैं तो आपको सऊदी समझ रहा था। फिर मैंने कहा नहीं भाई मैं सऊदी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। कहता नहीं यार आप तो मुझे सऊदी लगते थे। तो वो बंदा बड़ा हैरान हुआ। तो बाकी आज की वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं, किसी
किसी ना किसी के तो काम आएगी वीडियो, तो इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह रोज़ कोई ना कोई वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कुछ वीडियो बड़ी फ़नी होंगी, कुछ वीडियोस इंफॉर्मेटिव होंगी, कुछ सिर्फ हमारी जनरल डिस्कशन होगी, क्योंकि हमारा जो मेरा जो अपना टारगेट है कि डेली कोई भी वीडियो सेम वीडियो ना हो, क्योंकि अगर आप डेली सेम वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो देखने वाले तो बोर हो जाएंगे, यार ये बंदा रोज़ ही एक ही टॉपिक पे वीडियो लगा रहा है, एक ही टॉपिक पे वीडियो बना रहा है। तो लिहाजा इसीलिए मेरा जो अपना टारगेट है कि डेली वीडियो डिफरेंट हो, एक से एक वीडियो डिफरेंट हो, कोई भी बंदा प्रेडिक्ट ना करे हाँ यार इसकी नेक्स्ट वीडियो इस तरह की होगी, इसकी नेक्स्ट वीडियो इस तरह की होगी। तो लिहाजा इसीलिए हम लोग सारे मिलके आपस में प्लान करते हैं। कुछ बंदे हमारे इस टाइम कैमरे के बिहाइंड पे हैं, लेकिन वो हमें ऑलरेडी आइडियाज़ दे चुके हैं कि हाँ जी ये चीज़ करें, वो हंस भी रहे हैं वो इस टाइम वो सारी चीज़ें मॉनिटर भी कर रहे हैं। यानी कि कुछ बंदे हम लोग तो कुछ तो आपके सामने बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ बंदे इस टाइम आपके सामने नहीं हैं, लेकिन वो उनके आइडियाज़ हमारे साथ हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।